गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब क्लासेज। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1%। ओके, क्वेश्चन नंबर वन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट। देखिए 44/100 है, तो ये आ जाएगा 44/100 × 100, 44% आ गया। मतलब परसेंट में कन्वर्ट के लिए इसमें सब में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारी परसेंट में उसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू परसेंट। देखिए सबसे पहले डेसिमल को हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। देखिए यहाँ से मैं डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इसमें 70% आ गया। 0.000 वही सेम कंडीशन करेंगे हम, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 इसलिए बढ़ा कि यहाँ से डेसिमल 2 पॉइंट की बात है, इसलिए 100 आया। अगर डेसिमल 1 पॉइंट के बाद होता 10 आता, अगर डेसिमल 3 पॉइंट के बाद आता तो 1000 आता। 100 की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारी परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए अब क्या करना है, परसेंट से डेसिमल 100 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन परसेंट से डेसिमल बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे इनकी सब में। देखिए 100 का हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही कंडीशन, 100 का डिवाइड करेंगे, नॉर्मल पॉइंट में ये चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 25% निकालना है 300 का, तो 300 × 25/100 कैलकुलेशन कर देंगे, 75 आ गया। अब इसका निकालना, देखिए 1500 × 15/100 आंसर आ गया। ऐसे सेम हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 35% ऑफ 2 रुपये 90। देखिए 90 रुपये को पहले पैसे में बदलेंगे 100 की मल्टीप्लाई करके, फिर 35% आंसर बदलेंगे। अब इसमें 7.3% ऑफ 1 मीटर, पहले 1 मीटर को 1070 मीटर में बदल लेंगे, फिर 7.3 × 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम सी पार्ट, सेम डी पार्ट, सेम ई और एफ पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अर्पिता स्पेंड 60% ऑफ हर मनी ऑन ए बुक, फाइंड द अमाउंट सी स्पेंड। 300 का 60%, 300 × 60/100 रुपीज आ गया। इसका देखिए 7 × 8.28 चिल्ड्रन का 25%, 7 चिल्ड्रन आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, वॉच का डिस्काउंट हमें दे रखा है, बैग का डिस्काउंट निकाल लिया, बैग का निकाल लिया, इनका तीनों का टोटल करके हमारा आंसर आ गया। ओके, ये परसेंट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। परसेंट वाले चैप्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज रफ कॉपी में अपने क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर उनका निकाल लेंगे, इन रफ कॉपी में लिख लेंगे, इनके आंसर कर लेंगे। जब तक देखिए इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे परसेंट समझ में हमारे कम आएगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करो आराम से। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है।